माशाल्लाह आपके कितने बच्चे हैं शादी? मेरे माशाल्लाह जी तीन बेटे हैं। शादी को कितना अरसा हो गया? अराउंड अभी क्या है 22 भूल गए। मेरी 2009 में हुई थी। अच्छा, ये वो सवाल है जो अक्सर हस्बैंड भूल जाते हैं। हस्बैंड बेसिकली रहते ही बेचारे इन्हीं समझ कोई नहीं आती भागा दौड़ी में रहते हैं और वाइफ को फिंगर टिप्स पे याद होता है इतने साल हो गए। नहीं बिल्कुल, देखो वाइफ भी जहाँ तक बात करें, देखो आपका पार्टनर आपकी वाइफ एक ऐसा साथी है लाइफ में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी नज़र में शायद अपनी वाइफ की शायद ना इज्जत करते हो, लेकिन उनकी इज्जत करनी चाहिए। उसकी वजह पता क्या है? देखो डिजर्व करती हैं, आपके बच्चों का, आपका पूरा घर। और मेरा ख्याल में बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, गर्मी हो, धूप हो, कुछ भी हो, आपके लिए खड़े हों ज़रा 10 मिनट किचन में लग समझ आती है। तो कहने का मकसद है कि, और जहाँ तक मैं अगर अपनी वाइफ की बात करूँ तो मेरी वाइफ मेरे लिए, मैं कहता हूँ एक अल्लाह ताला ने बड़ा एक ख़ास करम है मेरे पे। और उसकी वजह क्या है कि मेरे उस टाइम पे, बुरे टाइम पे मेरी वाइफ ने मेरी ऐसी हेल्प की जब कोई भी नहीं करता। और एक वो समझे ना, उस टाइम पे मैं एक समझे एक वो कहते हैं ना बिल्कुल ही मजबूर टाइप जब बंदा, वो कहते हैं ना हाथ पांव 10 जॉइंटों में दर्द, बहुत ही आवाज़ आ रही है। और उस बेचारी ने मेरे साथ बहुत आउट ऑफ द वे जाके मेरी हेल्प की और मेरे लिए दुआएँ की और बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद है कि वाइफ एक बड़ा एक पार्टनर जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मेरी वाइफ को सेहत तंदुरुस्ती दे और सबको इन सब बीवियों को। हाँ हाँ, देखो हंसी मजाक में लोग आजकल के, और वो उम्मत की तरबियत करते। देखो उम्र होता क्या, आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है और जिस तरह की वो कहते हैं ना मीम बनती हैं, मैं कहता हूँ ये गलत है यार। कम से कम आपकी वाइफ किसी को आइडिया ही नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई। बहुत सारे ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट करते हैं वो समझते हैं कि शायद आया बीवी के थले चुड्डू लगा है, मामा जेड़ा कहता वो भी लगा होता है वो बल्कि ठुड्डे भी खाता है तो ये चीज़ें गलत है। देखो आपकी लाइफ में वाइफ जो है ना वो एक अहम रोल है। आपका माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं साथ होता, एक सिर्फ वाइफ होती है, वो आपके साथ होती है। और हर रिश्ते को अपनी जगह पर रखना चाहिए। यस यस, क्यों नहीं है। ये देखो माँ बाप बहन भाई का रिश्ता तो यार ये ऐसा रिश्ता है, ये तो एक वो कहते हैं ना बहुत ही खासम खास है, एक ब्लड है। एक रिश्ता ऐसा बनता है आपकी लाइफ में जो किसी और के घर से आ रही है। बिल्कुल। और मैं तो देखो ना, मैं भी बहनों वाला हूँ, और अगर कल को आपने भी बाप बनना है तो कहने का मकसद है आप किसी की बेटी को इज्जत देंगे तो आपकी बहन भाई भाई बहन को भी इज्जत ही मिलेगी। अच्छा, बच्चों को आपने क्रिकेटर ही बनाना है या यार दिल की ख्वाहिश उम्र है। और अब तो वो कहते हैं ना, शुरू में एक ख्वाहिश थी कि मैं स्टार बनूं, अब जिंदगी में एक ख्वाहिश और है कि मैं अपने बेटों को क्रिकेटर बनाऊँ और मेरे बेटे क्रिकेटर बने। और इंशाल्लाह मेहनत है, देखो अल्लाह की तरफ से है कि वो कल को क्या बनते हैं। मैं कहता हूँ सबसे पहले नेक औलाद बने, फिर उसके बाद क्या है कि मेहनत करवाऊँगा और बिलीव होता है, मेरा बिलीव था मैं मेहनत करूँगा कुछ ना कुछ ज़रूर बनूँगा। तो इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है, क्योंकि मैंने खुद तो समझो जवानी में ही छोड़ दिया, तो अब बाकी जो है वो मेरे बेटा बेटे ही कमी पूरी करें। और अब दिल में यही ख्वाहिश है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर उनको अच्छी मेहनत करवाऊँगा।